हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन नंबर्स, हाउ यू कैन राइट इंडियन नंबर्स। सो फर्स्ट आई कॉल अक्षराज ऑन द बोर्ड। टेक द मार्कर अक्षराज। अक्षराज हमें लिख के बताएंगे बोर्ड पर 37 कैसे लिखते हैं, इंडियन नंबर्स में 37 कैसे लिखते हैं। इससे नेक्स्ट जो टर्न आएगा वो आएगा आहिल खान का, तो वो तैयार हैं बेटा अपने टर्न के लिए। उन्हें भी कोई एक नंबर दिया जाएगा जिसको मैं हिंदी में बोल के बताऊंगा, आपको उसको इंडियन काउंटिंग स्टाइल में लिखना है, तो उसके लिए तैयार हैं। अक्षराज बेटा मेक इट फास्ट, यू डोंट हैव सो मच टाइम। 37 वेरी गुड बेटा, आपको आना चाहिए था अक्षराज, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आपको नहीं आ पाएगा। आहिल आए, आप मार्कर आहिल को दे दें। 37 ही लिख के बताएंगे हमें आहिल बोर्ड पर, थोड़ा सा मोटा लिखे बेटा, सबको दिखना चाहिए। राइट वन, सही है ना। देखो 37 को इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो बोलेंगे 37, और 37 को इस तरह से लिखा जाता है इंडियन काउंटिंग में। बहुत अच्छे बेटा, वेल डन आहिल, बैठे। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा गौरव को, आ जाए गौरव आपके सामने। आपको लिख के बताने वाले हैं कि इंडियन काउंटिंग में आप सॉरी मैं इंग्लिश में नहीं बोल के बताऊंगा, 42 कैसे लिखते हैं। थोड़े से एक मोटे लिखो, और आपने सही नहीं लिखा है गौरव बेटा, वापस से रिमाइंड करो और थोड़ा सा मोटा लिखो, साइज बढ़ाओ उस लेटर्स की। ये कितना है, 40, और मैंने बोला है 42, याद करो। देखिए 42 को ही कहते हैं क्या, 41। गलत है गौरव, बैठे लर्न करेंगे। अब आएंगे भौमिक, आ जाए बेटा। फर्स्ट यू हैव टू इरेज ऑल द लेटर्स विद द हेल्प ऑफ डस्टर, यू कैन यूज डस्टर। अब हमारे सामने भौमिक हैं, और भौमिक आपको लिख के बताने वाले हैं 47, इंडियन काउंटिंग में 47 कैसे लिखते हैं। बेटा साइड में हो जाए, और थोड़ा साइड में हो जाए। क्या लगता है बच्चों, भौमिक ने सही लिखा है? गलत है बेटा, भौमिक बैठे। अब हमारे सामने आएंगे आफरीन, आफरीन निया जी आओ बेटा। आफरीन लिखेंगी, मार्कर लें, 18, 18 कैसे लिखते हैं, लिखें बोर्ड पर। मैंने 18 बोला है, वापस एक बार रिपीट कर दूं, और आपको इंडियन काउंटिंग स्टाइल में लिखना है, ये भी ध्यान रखें। टाइम जो है वो निकलने वाला है, केवल 2 सेकंड का टाइम बचा है, लिख दें। आई थिंक यू रोट डाउन 17 एंड आई से 418, 18 इंग्लिश में 18 बोलते हैं, आपने लिखे हैं 17, तो आपका गलत है, सिट डाउन। अब हमारे सामने आएंगे चांदनी, आओ बेटा। चांदनी आपको लिख के बताएगी 25 कैसे लिखते हैं, इंडियन काउंटिंग नंबर में 25 कैसे लिखते हैं। बेटा आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े से अक्षरों के साइज बड़े रखेंगे लिखते समय। पच्चीस, अगर आपको सीधे 25 लिखना नहीं आता है तो उस नंबर को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया करो, उसके बाद लिख सकते हैं आप। आई थिंक चांदनी को भी ये लेटर नहीं आता, सीधा हूं चांदनी। पा रहे हैं परिधि, वो आपको लिख के बताने वाले हैं जो नंबर मैं बोलूंगा लिखने के लिए, ठीक है मार्कर बेटा। और आप लिखेंगे 26, इंडियन काउंटिंग नंबर्स में 26 कैसे लिखते हैं, लिख के बताएं। परिधि को नहीं आता बेटा, इनको बहुत दिन हो गए अभी काउंटिंग लर्न करने को दिए हुए, लेकिन नहीं कर पाए हैं, तो
वेरी बैड बेटा, सिदाउन। अब आ रही है प्रतीक्षा, वो आपको लिख के बताएंगे 29 कैसे लिखते हैं, इंडियन काउंटिंग में 29 कैसे लिखते हैं। मार कर ले बेटा, उनतीस। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। अब हम बुलाने जा रहे हैं दिव्या को। आए बेटा, ये सभी बच्चे क्लास सेकंड के बच्चे हैं। दिव्या, दिव्या लिख के बताएंगे 22, इंडियन काउंटिंग में 22 कैसे लिखते हैं। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे सामने दीपिका, जो आपको लिख के बताने वाले हैं 39 कैसे लिखते हैं। 39। बेटा आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है, जल्दी से लिख लें। बैठे ग्रीष्म नायर हमारे सामने आने वाले हैं, उसके बाद देविका को बुलाएंगे, तो देविका तैयार रहे बेटा। ग्रीष्मा आप लिखें 43। क्या लिखा है आपने, बोल के बताएं क्या लिखा है। 38, उसको 43 बोलते हैं। 38 को क्या बोलते हैं बेटा, 3 और 8 जब साथ में लिखते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, 38। और मैंने बोला 43, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 43, तो आपका तो गलत हुआ। बैठें, देविका आ जाए बेटा। देविका लिखेंगी 26। क्या लिखा है बेटा आप बोल के बताएं। 39 लिखा है। बैठे देविका का भी। अब आ रही है क्लास सेकंड से ही विधि। विधि बेटा मार्क कर लें, और आप लिखें 45। आई थिंक विधि को भी नहीं आता। चलें बेटा विधि बैठे। प्रियांशी, प्रियांशी आए, मार कर ले बेटा। और प्रियांशी लिखेंगी आपके सामने वही जो हमने लिखने बोला था विधि से। प्रियांशी को भी नहीं आता। ये कुछ बच्चे थे क्लास सेकंड से, जिनको इंडियन काउंटिंग नंबर की प्रैक्टिस हमने काफ़ी दिनों से करवाई थी, 4-5 बार प्रैक्टिस करवाई है क्लास में, तो कुछ बच्चे उनमें से लिख पाए, कुछ को याद नहीं रहा। अब मैं आपके सामने एक ऐसे बच्चे को बुलाऊंगा जिसने पहले भी सही लिखा था, और अब वापस से वो आपके सामने पूरी काउंटिंग लिख के बताएगा फ्रॉम 1 to 100 इन इंडियन नंबर्स। आहिल खान बोर्ड पर आ जाए बेटा, पहले इरेज करें पूरा बोर्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 इन इंडियन नंबर। ऊपर वाला इरेज नहीं करना, बस यहीं से कोने से लिखना शुरू करें बेटा, फर्स्ट लाइन। और अगर आहिल अच्छे से पूरा लिख पाए तो मैंने उसके लिए कुछ रिवार्ड सोचे हैं, मैं उसको देने वाला हूँ गिफ्ट में 2 पेन और 1 चॉकलेट। देखते हैं अगर पूरा अच्छे से लिख पाए बिना मिस्टेक्स के। कीप क्वाइट ऑल स्टूडेंट्स, नो टॉकिंग। बहुत अच्छे बेटा, अभी तक आपका ठीक है। थोड़ा सा मैक्सिमाइज करो लेटर्स की साइज, थोड़े से मोटे लिखो। डस्टर ले लें इरेज करने के लिए, अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो डस्टर से इरेज करो।
थोड़ा सा मैक्सिमाइज करो, आप लेटर बहुत छोटे लिख रहे हैं, थोड़ा मोटे लिखो, अपने पास बहुत सारा स्पेस है ना बोर्ड पे। आप 21 को चेक करो, सही लिखा है क्या, गलती नहीं है ना, थोड़ा ध्यान रखें। बाकी बच्चे भी देखते रहें, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आहिल ने कौन सी लाइन में गलती करी है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखते रहें, आहिल जैसे लिख रहा है अपने माइंड में एक तरह से उसको काउंट करते रहें कहाँ तक पहुँचा है। आहिल 34 तक पहुंच गया है, तो बहुत अच्छे बेटा, वेल डन। आहिल बताएं आपने जस्ट क्या लिखा है, बोल के बताएं आपने जस्ट क्या लिखा है, जस्ट का मतलब नीचे वाला, हाँ ये इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ यस बेटा बहुत अच्छे, 37 बोलते हैं, वेल डन। लिखो लिखो आगे लिखो, अड़तालीस तक पहुंच गया है और अभी तक इसकी कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे बेटा, यहाँ तक उसने बहुत अच्छे से लिखा है। इससे आगे स्किप कर दें इसको, ये जो लाइन है ना बेटा बोर्ड पे, इससे स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे गैप बना के लिख लो, हाँ लिख लो, ये काम करो बेटा। 51 से इधर लिखो, आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, और आगे आगे का मतलब हाँ मेरी तरफ इधर, यस अब लिखें, हाँ 51 से लिख दो यहाँ, की लाइन में पहुंच गया आयल, तो उसने अभी तक 67 तक लिख लिया है, और उसके पास अभी केवल मुझे लगता है 71 से 30 तक की, 100 तक की जो बच रही है ना, वही वाली काउंटिंग शेष है। वेल डन बेटा,
वेल डन बेटा, पहल सबसे लास्ट वाली लाइन में चल रहा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, और जब भी 100 तक लिख देगा सक्सेसफुली। बच्चे बाकी चेक करते रहें, मैं आपसे अहिल के पूरे लिखने के बाद पूछने वाला हूँ कि किस बच्चे को कौन से वाले लेटर में गलती लग रही है, कौन सी काउंटिंग लिखने में इसने गलती करी है, आप मुझे ये बताएंगे। कंप्लीट हो गया, बस बेटा साइड आ जाएं, एक बार सभी बच्चे देखें। देखिए मैंने सभी बच्चों को टास्क दिया था कि आप आहिल का लिखा हुआ चेक करेंगे, तो सभी बच्चों में से प्रेरणा ने फाइंड आउट की है गलती, प्रेरणा उसको करेक्ट करेगी, और जो दो पेन और एक चॉकलेट मिलने वाला था आहिल को, तो उसमें से थोड़ा सा कम कर देंगे उसके इनाम, उसको केवल दो पेन मिलेंगे, चॉकलेट प्रेरणा को मिलेगी। प्रेरणा करेक्ट करें बेटा, जहां गलती है उसको सही करके लिखें। ये एक नंबर आई थिंक लिखना भूल गया, 38, थोड़ा सा मोटा लिख बेटा, बहुत छोटे लिख रहे हो आप, साइज बढ़ाओ। उसको नीचे की तरफ भी तो करना पड़ता है ना बेटा, 9 को। हाँ यस ठीक है, प्रेरणा को एक चॉकलेट और बाकी, बहुत अच्छे बेटा सभी, एक बार सभी बच्चे आहिल के लिए स्पेशली, इसने पूरी 100 तक एक गलती से भूल गया ये, इसके लिए क्लैप करेंगे सभी एक साथ। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, देखिए बैठे बेटा, आप सभी को मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो भेज करके क्लास में प्रैक्टिस करवा के कहा था आपसे कि यूट्यूब पर आपका प्रैक्टिस वीडियो बनाया जाएगा, तो कुछ बच्चों ने लर्न किया लेकिन वो भूल गए ऑन द टाइम जब उनका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वापस से अच्छे से उसको लर्न करो, और आपको इस तरह के रिवार्ड मिले इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो भी आपको होमवर्क लर्न करने को दिया जाए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसको लर्न करें अच्छे से और परफॉर्म करें, बताएं जब पूछा जाए। तो आज असेंबली में हम सभी, आज नहीं कल के लिए रखते हैं या फिर मंडे का, मंडे को असेंबली में इन दोनों को इनाम देंगे हम, रिवार्ड देंगे असेंबली में सामने बोला कि, तो अगर आपको भी ऐसे रिवार्ड वगैरह लेने हैं तो होमवर्क में लर्न करने को जो भी दिया जाए, ठीक है बेटा। वेल डन आहिल, एक बार आहिल के लिए वापस से, बहुत अच्छे बेटा,